दोस्तों टेली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का पूरा मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज के इस वीडियो में आप समझोगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी इंडिया में कब से अप्लाई हुआ है, साथ ही कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनके को रिप्लेस करके जीएसटी लागू किया गया है। इसके साथ में जो इसकी कैटेगरीज होती है जो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, जैसे कि एचजीएसटी, सीजीएसटी, IGST और UTGST, ये क्या है और GST में इनका क्या रोल प्ले है, इन सभी टॉपिक्स को हम बारीकी से समझेंगे। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि GST क्या है। देखो GST का पूरा मतलब जैसा मैंने आपको बताया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे जो दो टर्म यूज हुई है, एक है गुड, एक है सर्विस, इस पॉइंट को जरा आप ध्यान से समझिए। देखो अगर मैं बिजनेस या व्यापार की बात करूं तो दो तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आपकी कोई भी शॉप है जिसमें क्या है कि आपने कोई भी सामान है जिसको आप बेच के पैसा कमा रहे हो, एक बिजनेस हुआ वो, जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान हुई, जूते की दुकान हुई, कोई बिग बाजार हो गया, कोई शोरूम हो गया, वहां पे हम क्या करते हैं कि सामान को बेचते हैं और बदले में पैसा लेते हैं, तो वो जो बिजनेस है वो हुआ गुड्स का। इसके अदर में जो अदर बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए स्कूल, जिम, या फिर मैं बात करूं नॉर्मली हॉस्पिटल, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं सर्विस के। जैसे अगर जिम की बात करें तो जिम में क्या है कि आप वहां पे जाओगे, पैसे दोगे, बट बदले में आपको सामान नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी सर्विस। वहां पे पहले से क्या है कि जो भी इक्विपमेंट्स है वो रखे हुए हैं, एक ट्रेनर है जो आपको ट्रेन करेगा, नॉलेज देगा कि आपको कैसे क्या चीजें करनी है। वही एग्जाम्पल स्कूल और हॉस्पिटल का है कि उनके पास पहले से कोई नॉलेज है और उस नॉलेज के बिहाफ पे आपको एक सर्विस मिलती है और आप उसे पे करते हो। तो जो हमारा जीएसटी है वो दोनों चीजों से रिलेटेड है, गुड्स और सर्विस दोनों से। अब अगर इंडिया में बात की जाए कि जीएसटी कब से लागू हुआ है, तो इंडिया में ये अप्लाई हुआ है 1 जुलाई 2017 से। साथ ही यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जीएसटी में, कि जीएसटी इतना लेट क्यों आया और इसके आने से पहले कौन से टैक्स चल रहे थे। देखो जब जीएसटी नहीं था यानी 2017 से पहले, तो हम जो टैक्सेस लेते थे वो थी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब यहाँ पे हम 5 टैक्स लेते थे और अब इन 5 टैक्स को हटा के हम ले रहे हैं जीएसटी। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन 5 टैक्स को रिप्लेस क्यों किया गया। देखो पहला पॉइंट तो यहाँ पे हमारे पास 5 टैक्स लग रहे हैं और अब लग रहा है 1 टैक्स जो है जीएसटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे हर एक स्टेट, जैसे मान लीजिए जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे टैक्सेस सेम नहीं थे। जैसे आज के टाइम में हर जगह मान लो कि आपके प्रोडक्ट पे 18% का टैक्स है, तो वो कहीं पे भी आप करो आपको टैक्स उतना ही देना है। जीएसटी जो है वो हर जगह के लिए सेम है, वन नेशन वन टैक्स ये कहा जाता है जीएसटी के लिए। ये बात एक्चुअल में सही है। कहने का मतलब क्या है कि आप पेट्रोल का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पेट्रोल आप देख लो कि आप देखना राजस्थान में पेट्रोल ज्यादा महंगा है और मान लो कि दिल्ली है, दिल्ली में पेट्रोल ज्यादा सस्ता है। ये चीज अभी आपने देखा होगा पेट्रोल के रेट जब बढ़े थे, कि कुछ स्टेट में पेट्रोल 90 का है, कुछ स्टेट में 95 का है, कुछ स्टेट में 100 का है। रीजन क्या है? रीजन है जीएसटी। उन पे जीएसटी नहीं लगा हुआ, जो पेट्रोल है उस पे जीएसटी नहीं लगी है, जो गैस है उस पे जीएसटी नहीं लगी है। तो वहां पे इसी तरीके से पहले क्या होता था, जब ये 5 टैक्स लगे होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी का एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए कि कोई जो आपका जैसे सेल आप कर रहे हो या कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो गुजरात में मान लो कि आपको अलग टैक्स देना पड़ रहा है, मान लीजिए 18% देना पड़ रहा है, और वही जो ट्रेड है अगर आप कर रहे हो किसी और स्टेट में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वहां आपको अलग टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये एक डिफ्रेंशिएट था। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो गुजरात है वहां पे ज्यादा ट्रेड था पहले के टाइम में, सूरत में या फिर गुजरात की बात करूं वहां ज्यादा ट्रेड था। रीजन यही है कि टैक्स का जो अंतर है वो था, किसी स्टेट में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, किसी स्टेट में आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। अब जब जीएसटी आई तो उसने पहली बात तो इस 5 टैक्सेस को रिप्लेस किया, नंबर वन, और उसने क्या किया, जो टैक्स अप्लाई है प्रोडक्ट पे, अगर इस प्रोडक्ट पे 12% है तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर लो, इस स्टेट से दूसरे स्टेट में, सेम स्टेट में या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में, आपको टैक्स वही देना पड़ेगा। घूम फिर के आपके लिए एक टैक्स पॉसिबल हो गया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहूंगा मैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टैक्स अप्लाई हुआ, जो जीएसटी आई, वो बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि स्टेट अपनी मनमानी चला रहे थे कि हम इतना टैक्स लेंगे, आपको अगर हमारे स्टेट में व्यापार करना है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए स्टेट का विकास या स्टेट की चीजें उस पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, चाहे इस स्टेट में करो, यूनियन टेरिटरी में करो, सेम स्टेट में करो, आपको वही टैक्स देना है। ये जीएसटी का सबसे ज्यादा अच्छा मुझे प्लस पॉइंट लगता है। अब जो जीएसटी है इसमें 4 कैटेगरीज है, नंबर वन है एचजीएसटी, सीजीएसटी
और आपका है आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये क्या है और इनका क्या रोल प्ले है जीएसटी में, अब इस पॉइंट को बड़ी आसानी से समझते हैं। अब देखो हमारे देश में गवर्नमेंट दो तरीके से बटी हुई है। जैसे मान लो एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनका उत्तरदायी जो है वो पूरा हमारा जो इंडिया है, जो पूरा देश है उसके ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जितना भी संचालन होगा सेंट्रल के बिहाफ पे वो सारा चीज कौन देख रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा हमने ले लिया कि यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कि एक स्टेट में जितना भी काम होगा उसका जो उत्तरदायी है वो होता है मुख्यमंत्री पे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस पे चलती है, टैक्स पे। तो सरकार ये कहती है कि आपका कोई भी काम होगा, मान लीजिए किसी भी स्टेट में या इंटर स्टेट में कोई भी वर्क हो रहा है, तो उसका कुछ परसेंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जिससे क्या है कि वो पूरे देश को चला सके, और एक जो हिस्सा है वो चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे, जिससे क्या है वो स्टेट की जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। समझ में आया? तो मान लीजिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम एसजीएसटी और सीजीएसटी का। एसजीएसटी का मतलब होता है यहाँ पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी स्टेट, सीजीएसटी सेंट्रल। तो मान लीजिए कि आप एक स्टेट में रहते हो, वो स्टेट हमने ले लिया मान लीजिए है गुजरात या उत्तर प्रदेश ले लो। ठीक है, अब उस उत्तर प्रदेश में आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नोएडा में हो और आप बिजनेस कर रहे हो किसी भी एक रीजनल एरिया में, ले लिया ग्रेटर नोएडा में या फिर बुलंदशहर, कोई भी एक एरिया हमने ले लिया। तो आप मान लीजिए एक ही स्टेट के अंदर अगर काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है कि उसका आधा हिस्सा आपको देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को और आधा हिस्सा देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्लियर हुआ? तो ये हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी का सीधा हिसाब किताब, आधा जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके बाद जो हमारा होता है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, मान लीजिए अभी मैंने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लिया, अब उत्तर प्रदेश से निकल के आप कर रहे हो राजस्थान में व्यापार, तो मान लीजिए कि आपने जो सामान बेचा वो बेच दिया आपने राजस्थान को, तो अब जो हमारा लेन देन हो रहा है वो हो रहा है इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेन देन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स होता है वो सीधा सीधा लग जाएगा, मतलब ना यहाँ एसजीएसटी लेगा ना यहाँ सीजीएसटी लेगा, यहाँ सीधा लग जाएगा आईजीएसटी। मान लीजिए अगर 18% पहले लग रहा था और 9% ले रही थी स्टेट गवर्नमेंट, 9% ले रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब सीधा सीधा 18% जाएगा आईजीएसटी पे। आईजीएसटी में क्या होगा कि फिर वही बात होगी, 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और जो 9% है वो जाएगा उस स्टेट के पास जो है डेस्टिनेशन एरिया, मतलब जहां पर सामान को बेचा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश से अगर हम सामान बेच रहे हैं राजस्थान में, तो वो जो राजस्थान है तो वहां पे क्या हो जाएगा कि 9% हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का और 9% चला जाएगा सेंट्रल के पास। तो इंटीग्रेटेड लग तो गया 18%, लेकिन 9% स्टेट, 9% सेंट्रल। क्लियर हुआ? इसके बाद जो हमारा लास्ट होता है वो होता है यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लू, तो दिल्ली आपको पता है कि पहले से क्या है कि सेमी स्टेट है, मतलब वो यूनियन टेरिटरी का एक हिस्सा है। आप अगर यूनियन टेरिटरी की लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे जो हमारे साथ है उनमें से एक दिल्ली भी है। तो बेसिकली क्या है कि जो दिल्ली है वो क्या है कि यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है। तो इस वजह से क्या है कि मान लो अगर आपको दिल्ली में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लीजिए आप सामान बेच रहे हो दिल्ली में, तो वहां पे क्या होगा कि 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर 18% का टैक्स है तो। ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी 28% है 12% है तो भेज देना, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए अगर 18% का टैक्स है तो उसके बिहाफ पे हम समझते हैं, तो 9% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% चला जाएगा हमारा यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी को। क्लियर हुआ? तो हर मामले में चाहे जितना भी हो, चाहे हमारा एसजीएसटी सीजीएसटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया या फिर आईजीएसटी हो गया या यूटीजीएसटी हो गया, हर मामले में आधा हिस्सा जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आधा हिस्सा जाएगा जिस भी स्टेट के साथ हम सेल कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? जिस भी स्टेट के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, अगर सेम स्टेट में कर रहे हो तो भी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, अगर इंटर स्टेट कर रहे हो तो जिस स्टेट में सामान आपने बेचा उस स्टेट को जाएगा, और अगर नॉर्मली हम बात करें अगर यूटी की, तो यूनियन टेरिटरी जो भी है उसके पास वो टैक्स चला जाएगा आधा। क्लियर हुआ? तो ये थे बेसिकली टाइप्स ऑफ जीएसटी। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि एसजीएसटी सीजीएसटी आईजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या होता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड एक और टर्म है टैक्स स्लैब्स, कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगता है, इसके ऊपर मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसे समझाने का कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।